साथियों, जो हमारी भर्ती हुई थी उसमें पहले हाई स्कूल निकाला गया था, लेकिन बाद में संशोधन करते हुए ये कहा गया कि जो अधिकतम योग्यता है उस आधार पर प्रेरकों का नियुक्त किया जा, और जब हमारी नियुक्ति होती है तो हमारी ये जिम्मेदारी दी जाती है सरकार द्वारा कि जो 15 से लेके 35 वर्ष के लोग जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाया जा। और हम लोगों ने बहुत मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ घर के लोगों के बड़े बड़े जो सदस्य होते थे उनको जबरदस्ती बुला बुला के हम लोगों ने केंद्र पर पढ़ाने का काम किया, और जो निरक्षर थे उनको साक्षर बनाने का काम किया। जो जावेडकर जी बोलते हैं कि हमारा देश साक्षर हो गया, और वह अपना श्रेय अपने ऊपर लाद रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य भूमिका प्रेरकों ने निभाया है। पूरे देश को साक्षर बनाने का काम शिक्षा प्रेरक ने किया है, और इस शिक्षा प्रेरक के ऊपर सरकार का कोई नज़रिया नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रेरक आज भुखमरी के कगार पर है, 35 महीना का पेमेंट बकाया है, और 35 महीने के पेमेंट के चक्कर में हमको 2000 मात्र मिलता है। हम भाड़ा किराया चंदा मांग कर हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं, और यह जो योजना है 30 सितंबर को ख़त्म करने का प्लान बना रही है सरकार। हम इसी मांगों को लेकर आ रहे हैं कि हमारी योजना आगे बढ़ाई जाए और हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए, और हमको संतोषजनक हमको जो हमारी योग्यता है हमारी योग्यता के आधार पर किसी पद पर हमको समायोजित कर दिया जाए, ताकि हम भी अपना पेट पाल सकें और बच्चों को आगे पढ़ा सकें। आपने बताया कि इसके अंदर पीएचडी होल्डर भी हैं और ये अच्छी एजुकेशन है, बीएड भी है, तो क्या मजबूरी है कि आप 2000 में काम कर रहे हैं? हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस तरह की कोई भर्तियां नहीं निकल रही। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में तमाम भर्तियाँ। क्या नाम बताया आपने? लखिंदर चौहान मऊ जनपद से हूँ मैं। जिला इस विभाग इस प्रेरक संघ का जिला मीडिया प्रभारी भी हूँ मऊ जनपद का। और हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम नौकरियाँ निकलती हैं, सारे नौकरियों पर कोट मिला दिया जाता है, सरकार से भर्ती नहीं करवाई जाती, जिससे हम लोग बेरोजगार हैं। हमको ये लगा कि हमको ये 2000 भी मिल जाएगा तो कम से कम हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये भी 2000 हमको मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कारण है, अभी आपने बताया 30 सितंबर को इसको बंद कर देंगे, और ये पहले से चली आ रही है ये योजना, तो अभी आपने इसमें धरना प्रदर्शन क्यों किया है? अब मोदी जी ने ये कह रहे हैं कि हमारा देश साक्षर हो गया है, और यह बहुत दिन से चल रहा है। मुझे अभी नहीं लगता है, अभी हमारे कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जो साक्षर नहीं हो पाए हैं, उनको हम बनाने का प्रयास करें। निरक्षर जो अनिरक्षर उनको साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी योजना बढ़ाई जाए और उस ढंग से हम अपना काम करें। अगर योजना 2000 रुपये में आपको बढ़ा दी जाएगी तो आप काम करने के लिए राजी रहेंगे? नहीं, हम 2000 रुपये तो राजी नहीं है, बिल्कुल नहीं 2000 पर राजी है हमारा। 2000 अभी आपने बताया है कि हमारा जो ये है सिस्टम बढ़ा दिया जाए तो हम 2000 रुपये में, इसमें भी सिस्टम बताया हूँ कि हमारी 2000 से काम भी नहीं चलने वाला। हमारी जो मांग है 2000 से अधिक बढ़ाई जाए, कम से कम जो न्यूनतम जो मजदूरी है ठीक ना 18 से 20 हज़ार है उसको कर दिया जाए, ताकि जो न्यूनतम मजदूरी है जो संविधान की न्यूनतम मजदूरी 18,000 मानी गई है उसको कर दिया जाए, ताकि हम भी अपना काम कर सकें।